मैनेज कर रहे हैं। सरकार ने कई स्कीम्स बनाई हैं जहां पे हम लोगों को रीच आउट कर रहे हैं। कुछ ऐसे फैसिलिटीज हैं जहां पे घर घर जाके इन लोगों का मैनेजमेंट हो सकता है और दवाइयां भी दी जा सकती हैं। दूसरी चीज ये है कि जो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं और जिनकी उम्र ज्यादा है, वो एक वल्नरेबल पॉपुलेशन माना जाता है, क्योंकि इन लोगों में चांसेस हैं कि इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा सिवियर हो सकता है। रिस्क फैक्टर इन्फेक्शन का नहीं है, अगर आप पूरे प्रिकॉशन रखेंगे तो जितना और लोगों को इन्फेक्शन का रिस्क है उतना ही आपको है, लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो आपके इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा सीरियस हो सकता है, और क्योंकि आपको और बीमारियां हैं वो भी एग्रेवेट हो सकती हैं, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो चाहे शुगर की प्रॉब्लम हो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो प्राइमरी डिजीज है, जो कोमॉर्बिडिटी है, उसका पूरा ध्यान रखें, अपना शुगर पूरा कंट्रोल करें, उसको मॉनिटर करें, घर में ग्लूकोमीटर से देखें, डॉक्टर से पूरा संपर्क करें। आजकल टेली कंसल्टेशन हर एक हॉस्पिटल कर रहा है, एम्स सारे इन पेशेंट्स का रेगुलर टेली कंसल्टेशन से एडवाइस दे रहे हैं, उनकी शुगर वैल्यूज देख के बता रहे हैं कि दवाई घटानी है या बढ़ानी है, ब्लड प्रेशर की भी मॉनिटरिंग हो रही है। तो ये सब हमें करना है, क्योंकि तब इन अगर इनकी बेसिक बीमारी अच्छे कंट्रोल में रहेगी तब सेवेरिटी ऑफ इलनेस भी कम होगी। तो ये बहुत जरूरी है। तो एक तो इन लोगों को प्रोटेक्ट करना है कि वो अपने आप को अच्छी तरह से आइसोलेट करके रखें, ज्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट में ना आए, मास्क जरूर डालें, बाहर जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें, और दूसरा यही है कि मोर्टैलिटी बढ़े, इसलिए इस काम के लिए भी कुछ हॉस्पिटल्स कोविड हैं और कुछ नॉन कोविड हैं, और नॉन कोविड हॉस्पिटल सारे इन लोगों को मैनेज कर रहे हैं। सरकार ने कई स्कीम्स बनाई हैं जहां पे हम लोगों को रीच आउट कर रहे हैं। कुछ ऐसे फैसिलिटीज हैं जहां पे घर घर जाके इन लोगों का मैनेजमेंट हो सकता है और दवाइयां भी दी जा सकती हैं। दूसरी चीज ये है कि जो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं और जिनकी उम्र ज्यादा है, वो एक वल्नरेबल पॉपुलेशन माना जाता है, क्योंकि इन लोगों में चांसेस हैं कि इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा सिवियर हो सकता है। रिस्क फैक्टर इन्फेक्शन का नहीं है, अगर आप पूरे प्रिकॉशन रखेंगे तो जितना और लोगों को इन्फेक्शन का रिस्क है उतना ही आपको है, लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो आपके इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा सीरियस हो सकता है, और क्योंकि आपको और बीमारियां हैं वो भी एग्रेवेट हो सकती हैं, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो चाहे शुगर की प्रॉब्लम हो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो प्राइमरी डिजीज है, जो कोमॉर्बिडिटी है, उसका पूरा ध्यान रखें, अपना शुगर पूरा कंट्रोल करें, उसको मॉनिटर करें, घर में ग्लूकोमीटर से देखें, डॉक्टर से पूरा संपर्क करें। आजकल टेली कंसल्टेशन हर एक हॉस्पिटल कर रहा है, एम्स सारे इन पेशेंट्स का रेगुलर टेली कंसल्टेशन से एडवाइस दे रहे हैं, उनकी शुगर वैल्यूज देख के बता रहे हैं कि दवाई घटानी है या बढ़ानी है, ब्लड प्रेशर की भी मॉनिटरिंग हो रही है। तो ये सब हमें करना है, क्योंकि तब इन अगर इनकी बेसिक बीमारी अच्छे कंट्रोल में रहेगी तब सेवेरिटी ऑफ इलनेस भी कम होगी। तो ये बहुत जरूरी है। तो एक तो इन लोगों को प्रोटेक्ट करना है कि वो अपने आप को अच्छी तरह से आइसोलेट करके रखें, ज्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट